सुना है सम्राट विक्रमादित्य बड़े विवेकशील हैं, तो पहचानिए इनमें से कौन सी मटकी वास्तविक है। वो कर दिया विक्रम, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य नाम है हमारा। ओम फट। राजन, मैं जानता था राजा सूरजभान की मृत्यु के साथ ही मटकी में बंद वो शक्ति भी मुक्त हो जाएगी और कोई ना कोई मुझसे मिलने अवश्य ही आएगा, किंतु तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। राजन जाओ, वापस लौट जाओ। उस अतृप्त शक्ति को रोकने का मार्ग बताइए तांत्रिक, हमारे पास समय बहुत कम है। उस स्त्री को रोकने के अब सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। जाओ, अपने राज्य में वापस लौट जाओ। शताक्षी अब तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि वो राजा सूरजभान की सारी प्रजा का अंत नहीं कर देती। शताक्षी, अर्थात आप जानते हैं उस अतृप्त शक्ति को? तब तो आप ये भी जानते होंगे कि वो राजा सूरजभान के पीछे क्यों पड़ी हुई है। हमें उस स्त्री के बारे में सब कुछ जानना है तांत्रिक। हो सकता है वर्तमान की समस्या का समाधान अतीत के गर्भ में हो। बताइए। समाधान का तो पता नहीं, पर इस समस्या का संबंध राजकुमारी शताक्षी के अतीत से ही है। मृत्यु से पूर्व शताक्षी दक्षपुर की राजकुमारी थी और जिस पर राजा सूरजभान न केवल मोहित था बल्कि उन्होंने दक्षपुर के राजा और शताक्षी के पिता सोमसेन को इस विवाह के लिए तैयार भी कर लिया था। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलायतनो हरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। अब वधू आगे और वर पीछे होकर फेरे लेंगे। ठहरो। क्या हो महाराज, मंत्रोपचार रुकवा क्यों दिया? क्योंकि हमारा विवाह राजकुमारी शताक्षी से नहीं बल्कि उसकी सेविका से हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? देखो, तुम पिता और पुत्री ने मिलकर हमारे साथ छल किया है, इसका मूल्य तो तुम्हें अवश्य चुकाना होगा। हम तुम्हें बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेंगे। रुक जाइए, ऐसा नट मत कीजिए। इसमें महाराज का कोई दोष नहीं है, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं इस बारे में। तो सारा षड्यंत्र अकेले पुत्री ने ही रचा था। बोलो, कहाँ है राजकुमारी? बोलो अन्यथा। वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है। किंतु यदि राजकुमारी शताक्षी राजा सूरजभान के साथ विवाह करना चाहती थी तो विवाह छोड़कर भागी क्यों? क्योंकि उसका हृदय किसी और से जुड़ चुका था। राजकुमारी शताक्षी योगी ओजदत्त से प्रेम करती थी। Thank you.
राजकुमारी जी, हम जा कहाँ रहे हैं? वहीं जहाँ हमारे प्रेम के बीच कोई बाधा ना बन सके। राजकुमारी जी, आप मुझे इस प्राचीन मंदिर में क्यों लेकर आई हैं? अपने मन के राजकुमार से बिना देरी किए विवाह करने आई हूँ। विवाह? अभी? क्यों? आपको हमसे विवाह करना स्वीकार नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो? बात बस इतनी सी है कि विवाह अगर अभी करना है तो उसके लिए व्यवस्था भी तो करनी होगी। ओज दत्त कोई साधारण योगी नहीं था, वो अपने तपोबल से कुछ भी कर सकता था। और उसके इसी तपोबल पर राजकुमारी शताक्षी निछावर थी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। योगिराज, योगिराज क्या हुआ? सूरज भान, ये क्या किया तुमने? योगिराज, योगिराज। योगी ओजदत्त, बहुत योग बल है ना तुझमें? तब भी तू उससे विवाह करने चला था जिससे हम प्रेम करते थे। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरा परिणाम क्या होगा? राजा सूर्य भान, तुम अपने राजा होने के अहंकार में ये तक भूल गए कि प्रेम दो लोगों में होता है। प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे तुम अपने बल या प्रभाव से प्राप्त कर सको। योगी, तू तो ये भी भूल गया कि एक राजा से उसका प्रेम छीनने का क्या दंड मिलता है, और वो होता है मृत्यु दंड। योगिराज, योगिराज। सूर्य भान, तुम एक शरीर का अंत कर सकते हो, मेरी शक्तियों का नहीं। राजकुमारी, मुझे वचन दीजिए, जिसने हमें अलग करने का प्रयत्न किया है आप उसका अंत अवश्य करेंगी। मुझको वचन दीजिए राजकुमारी, मुझे वचन दीजिए। किंतु राजकुमारी, ये कार्य आप अकेले नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको मेरी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए अपने तपोबल से संचित संपूर्ण शक्तियां मैं आपको देता हूं। Ah!
यदि मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो ये मेरा भी अंत कर देगी। सताक्षी! उस दिन से आज तक राजकुमारी शताक्षी की आत्मा अपना प्रतिशोध लेने के लिए भटक रही है, किंतु अब उसका यह प्रतिशोध भयंकर रूप ले चुका है। तांत्रिक, अब वो राजा सूरज भान के बदले उसकी निर्दोष प्रजा का अंत कर रही है। हम उसे रोकना ही होगा। वो अब नहीं रुकेगी जब तक कि उसका प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाता। राजकुमारी शताक्षी को रोकने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, और वो है उनके हाथों राजा सूरजभान की हत्या। राजा सूरजभान की हत्या? ये कैसे संभव है? वो तो पहले ही मर चुके हैं। एक मरे हुए को पुनः कैसे मारा जा सकता है? इसीलिए तो मैं कह रहा था राजन कि शताक्षी अब नहीं रुकेगी। जाओ, लौट जाओ और छोड़ दो भूतगढ़वासियों को उनके भाग्य पर। दुर्भाग्य से जिनका एक ही भाग्य है मृत्यु। ओम फट! साहसी विक्रम, बुद्धिमान विक्रम, तुमने तो कभी सोचा नहीं होगा कि तुम ऐसी उलझन में फंस जाओगे जिसका हल ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दिमाग की सारी गांठें खुल जाएंगी। ए विक्रम, मैं बेताल हूं। न मेरा कोई अंत है, न आरंभ, न मैं हूं आर, न पार, न तू मुझे जान सकेगा, न समझ सकेगा, तो मेरी उलझन को कैसे सुलझाएगा? हाँ, जैसे तुम स्वयं उलझे हुए हो और चाहकर भी सुलझ नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही, ये जो तुम्हारी उलझन है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ए प्रेत परी, मेरे अर्थों का अनर्थ क्यों करती है? अनर्थ मैं कर रही हूँ? पिछले 1100 वर्षों से यही लटके हुए हो, किसी ने पानी तक नहीं पूछा, और अब जब ये भला मनुष्य तुम्हारे भले के लिए तुम्हें यहाँ से ले जाने आया है, तब तुम उसी के मार्ग में बाधाएं खड़ी कर रहे हो। प्रेत परी, तुम मेरे तरीके से नहीं सोच सकती। राजा विक्रमादित्य, ये तो आरंभ है। आगे आगे देख, बेताल सोचता है क्या? जाओ, जाके रोको। शायद तुम्हें उसी मंदिर में कोई मार्ग मिल जाए जहां योगी भोजदत्त और राजकुमारी शताक्षी की हत्या हुई थी। जो प्रेम में हारा उससे कौन जीत सकता है? उस तांत्रिक ने कुछ न कहते हुए भी सब कुछ कह दिया। राजकुमारी शताक्षी को केवल उनका प्रेम ही रोक सकता है। ये वो मंदिर है, राजकुमारी शताक्षी और ओजदत्त इसी मंदिर में विवाह करने वाले थे, और यहीं ओजदत्त की हत्या हुई थी। राजकुमारी शताक्षी को रोकने का मार्ग भी यही होगा। और महारानी, बचाओ,
बचाओ। नहीं सम्राट, ये स्त्री मुझे मार डालेगी। भूत का राज्य भूतों का डेरा बन के रह जाएगा सम्राट। ना तो आपको कुछ होगा और ना ही भूतगढ़ की प्रजा को। हमने राजकुमारी सताक्षी को रोकने का मार्ग ढूंढ लिया है, अब यहीं ठहरिए। सम्राट, सम्राट आप ये क्या कर रहे हैं? ये आपके लिए सुरक्षा घेरे का कार्य करेगा महारानी। किंतु सम्राट, जिसे आप जैसा वीर योग पुरुष नहीं रोक पा रहा है, उसे ये राख कैसे रोकेगी? ये राख नहीं महारानी, भस्म है। उस व्यक्ति की भस्म जिसे राजकुमारी सताक्षी हृदय और आत्मा से प्रेम करती थी। पर हमें पूर्ण विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजकुमारी सताक्षी इस भस्म रेखा को पार नहीं करेगी। ये देखिए, ये वहीं रुक गई है। आप इस घेरे में सुरक्षित हैं महारानी। सम्राट, सम्राट, आप कहाँ जा रहे हैं? महारानी, हमें देवगढ़ की प्रजा की रक्षा भी करनी है और राजकुमारी सताक्षी के साथ हुए अन्याय का न्याय भी करना है। यदि हम दोनों कार्य में से किसी एक में भी चूक गए तो हमारे मानवीय धर्म की हार होगी। अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, इस घेरे से बाहर मत निकलिए। सम्राट, पिताल, तू तो कह रहा था कि विक्रमादित्य के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन लगता है उन्हें समाधान मिल गया है। प्रेत परी, कभी तो शुभ बोला कर। मैं जानता हूं इस उलझन को सुलझाते सुलझाते राजा विक्रमादित्य का पूरा जीवन ही उलझ जाएगा। पर ये करने क्या जा रहा है? राजकुमारी शताक्षी को रोकने का केवल और केवल एक ही मार्ग है और वो है उनके हाथों राजा सूरजभान की हत्या। सताक्षी को रोकने का अब केवल एक ही मार्ग है हमारे पास, उसके हाथों सूरजभान की हत्या। अर्थात राजकुमारी सताक्षी को रोकने के लिए हमें राजा सूरजभान को पुनर्जीवित करना होगा और ये कार्य हम अपनी योग शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें अपने शरीर को छोड़कर राजा सूरजभान के शरीर में प्रवेश करना होगा और इसमें हमारा जीवन भी जा सकता है। क्या करें हम? एक ओर हमारा परिवार है, हमारी प्रजा है और दूसरी ओर इस राज्य के निर्दोष लोग हैं। एक ओर हमारा राजधर्म है और दूसरी ओर हमारा मानव धर्म। क्या सोच रहा है विक्रम? मुझे तो देखना है तू मानवता धर्म का ज्ञाता है या नहीं, किंतु तू तो अपने प्राण संकट में डालकर मूर्खता की ओर बढ़ रहा है। राजा होने से पहले हम एक मनुष्य हैं और इसलिए हमारे राज धर्म से कहीं बड़ा है हमारा मानव धर्म। कुछ भी हो जाए, अब हमें अपना मानव धर्म निभाना ही होगा। अपने जीते जी हम इतने निर्दोष लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते।